नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टुडे और आपके साथ मैं हूं रूबी विराठी। लेकर बड़ी बहस, महाराष्ट्र के मकोका की तर्ज पर बने यूपी कोका को विधानसभा में मंगलवार को बहुमत से पारित करा दिया गया। इस बिल को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के जोरदार भी उनके बीच में बहस हुई। अब इसे कुछ भी कहिए, लेकिन विधेयक के विधान परिषद में निरस्त होने के बाद फिर से इसे पेश किया गया और सरकार ने इसे पास करा लिया। अब सरकार का दावा है कि इस कानून के आने से अंडरवर्ल्ड, जबरन वसूली, जबरन कब्जे, वेश्यावृत्ति, अपहरण, जो संगठित अपराध की श्रेणी में तमाम चीजें आती हैं, उन पर लगाम लगेगी। सीएम योगी ने कहा है कि संगठित अपराध को रोकने के लिए जरूरी है। हालांकि नेता विपक्ष इस पर तमाम सवाल उठा रहे हैं और इसे गैर जरूरी भी बता रहे हैं। यूपी कोका के आने के बाद से एक तरफ जहां सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है, तो विपक्ष इस पर तमाम आरोप लगा रहा है और सरकार को घेर रहा है। सदन में भी खासा हंगामा हुआ, वॉकआउट तक कर दिया, लेकिन कामयाबी फिलहाल सरकार के हिस्से आई। लेकिन इस बीच बड़ा सवाल ये है कि क्या जरूरी है यूपी कोका और नहीं, कितना दम है विपक्ष की उन दलीलों में जो इसके खिलाफ दी जा रही हैं। ये तमाम सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका परिचय सबसे पहले आपसे करा दें। हमारे साथ बीजेपी से धीरज ओझा जी हैं, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। कांग्रेस से सुरेंद्र राजपूत जी हैं, पूर्व IPS हैं श्रीधर पाठक जी, सामाजिक कार्यकर्ता ताहिरा हसन जी हैं, और न्यूज रूम से हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार सुरेश बहादुर सिंह जी हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल मेरा बीजेपी से, सर बड़ा बवाल मच रहा है, आपको भी खासी मशक्कत करनी पड़ी, दो बार विधानसभा में आया तब जाके के पास हुआ, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या वाकई जरूरी है यूपी कोका उत्तर प्रदेश में? एकदम जरूरी है यूपी कोका, क्योंकि यहाँ संगठित अपराध हो रहे हैं। और इसके पहले आप जानते हैं समाजवादी पार्टी की सरकार थी, अपराध कितने चरम पे थे। एक वर्ष में अपराध हम लोग ने बहुत कुछ रोका। आप जानते हैं इसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो चाहे जहाँ हो, अपराधी को हम लोग लगाम लगा रहे हैं। इसलिए यूपी कोका इसलिए जरूरी था कि संगठित जो अपराधी हो रहे हैं उसको कैसे रोका जाए। इसलिए हमारे मुख्यमंत्री जी ने, योगी जी ने ये कानून लाए, और ये कानून आने से अपराध भी रुकेगा और ऐसे संगठित अपराध वाले जेल जाएंगे। इसलिए ये कानून बहुत जरूरी था। ठीक, लेकिन सर विपक्ष ये भी आरोप लगा रहा है कि पहले से जो कानून मौजूद हैं अगर उसी को पुख्ता तरीके से क्रियान्वित किया जाता तो वो भी पर्याप्त है इसे रोक पाने में। हम बता रहे हैं कि जो CRPC थी वो तो ठीक था, वो कानून अच्छे थे, नहीं कहते हैं कानून अच्छे, लेकिन यूपी कोका इसलिए जरूरी था कि कई अपराध संगठित अपराध हो रहे हैं, इसलिए उस अपराध में इसको रोकने के लिए इसलिए हम लोग ने यूपी कोका लाए। क्योंकि अब संगठित अपराध, चाहे आप किसी का जबरन वसूली नहीं कर सकते, कब्जा नहीं कर सकते, उसमें कई चीज है। उसमें जब आपका नाम आएगा तो आपको तुरंत जो है आपको यूपी कोका, जो एक कानून हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार ने लाया, अभी आपने देखा चाहे महाराष्ट्र में ये चल रहा है और इसके तर्ज पे कर्नाटक में चल रहा है, लेकिन इसलिए उत्तर प्रदेश इतना बड़ा राज्य है कि यहाँ पर अगर यूपी कोका नहीं आता तो यहाँ पर जो संगठित अपराध अभी कुछ बाकी है अपराध रुकने में, जो कि हमारी सरकार पूरा रोक रही है, इसलिए हम लोगों ने यूपी कोका लाए। और ये सरकार अभी से, जब से विधानसभा में पास हो गया अभी से ही अपराधी डर गए हैं, इसलिए यूपी कोका निश्चित जरूरी था। चलिए सुरेंद्र राजपूत जी, धीरज जी तो कह रहे हैं बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसकी ज़रूरत लंबे वक्त से महसूस भी की जा रही थी, पिछली सरकारों ने तो नहीं सोचा, लेकिन हाँ हम इसे लेकर के आ रहे हैं। आपको लग रहा है कि वाकई इसकी ज़रूरत है उत्तर प्रदेश को? देखिए, भारतीय जनता पार्टी या तो जानती नहीं या फिर दिक्कत। ये सरकार तो पहले भी, मायावती की सरकार भी इस कानून को लाई थी यूपी कोका को, ऐसा तो शुरुआत तभी हो गई थी, ये पहले लाए हैं तो पहले तो आप सेंटर से उस वक्त मंजूरी नहीं मिली थी। तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग इस चीज को करेक्ट करें कि ये कानून ये लाए हैं, पहली चीज। दूसरी बात, कानून की प्रॉब्लम नहीं है, कानून के दुरुपयोग की प्रॉब्लम है। आप लोग समझिए इस बात को, हम यूपी कोका के विरोध में नहीं है, यूपी कोका जिन लोगों के हाथों में जा रहा है उनके विरोध में है हम। पुलिस जिस तरीके से कानून का दुरुपयोग करती है और कहती है कि मैं दहशतगर्द हूं, मरने पे बेटा बोल सकता है, और पुलिस की मार के आगे तो मुर्दा बोल सकता है,
आप यहाँ पर एक चीज को देखिए, संगठित अपराध, एक तरफ योगी जी कहते हैं कि हमारा एनकाउंटर, हमने ये किया, अपराधी गले में तख्ती लगा करके थाने में आ रहा, ऐसा कौन सा अन्य अपराध है जो यूपी को का रोकेगा, जो वर्तमान कानून नहीं रोक सकता? आप ये कह रहे हैं कि साहब कब्जे नहीं होंगे, तो क्या पहले कानून नहीं थे कब्जों के लिए? हमारा बड़ा स्पष्ट मत है कि उत्तर प्रदेश में चाहे वो टाडा का कानून हुआ हो, चाहे वो एनएसए के कानून हुआ हो, चाहे वो मीसा का कानून हुआ हो, उस सारे कानूनों का दुरुपयोग हुआ पुलिस के द्वारा, या अतिशय जो उपयोग हुआ उसी को लेकर के तो हम आशा चिंतित हैं। आज उत्तर प्रदेश कोका में क्या क्या प्रावधान है आप देखिए, हमारे प्रावधानों को आप समझिए। उन्होंने कहा कि साहब जो आदमी भी राजद्रोह करेगा, राजद्रोह यानी ताहिरा हसन जी हैं, आप हैं, आपने आज कहा कि कानून व्यवस्था बहुत खराब है, उत्तर प्रदेश की जनता सड़कों पर है, यूपी को का आप पर लग जाएगा, चूंकि राजद्रोह की श्रेणी में आ गया वो। राजद्रोह और राष्ट्रद्रोह में अंतर समझिए। जब भी हम सरकार के खिलाफ कोई बात बोलेंगे, पत्रकार बोले, सामाजिक संगठन बोले, राजनीतिक कार्यकर्ता सड़क पर उतरेंगे, तो राजद्रोह की श्रेणी में है। तो यूपी को का सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक, मीडिया, सोशल कर्मियों के मुखालफत के लिए यह कानून लाया गया है। और आज भारतीय जनता पार्टी चूंकि 325 की सदन में है, कल भारतीय जनता पार्टी जब इनकी शासन नहीं होगा, तो मैं निश्चित तौर पर कह रहा हूं, एक नवाज देवबंदी का शेर था कि जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है और आपके पीछे तेज हवा है और मुकद्दर आपका है, उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, अब मेरा नंबर आया, और मेरे कत्ल पे तुम भी चुप हो, अगला नंबर आपका है। इसके जो मुख्य प्रावधान है ना, उसको आप हटा दीजिए, हमें दिक्कत नहीं, ये सिर्फ अपराधियों के खिलाफ रहे, हमें दिक्कत नहीं। लेकिन जिस प्रकार एक तरफ योगी जी कह रहे हैं कि साहब ने अपराध खत्म कर दिए, दूसरी तरफ कहते हैं संगठित अपराध हो रहे हैं, अब योगी जी तय कर लें कि ये योगी ठीक है कि वो योगी ठीक है, अपने मुकदमे वापस ले रहे हैं योगी जी। योगी जी ने योगी जी से कहा कि योगी जी निरपराध है, और योगी जी ने योगी जी को निरपराध मानते हुए उनके सारे मुकदमे वापस ले लिए। ये उत्तर प्रदेश की परिस्थिति है। त्रिपाठी जी जान रहे हैं यहां पर कि अपने सारे आपराधिक मुकदमे योगी जी ने स्वयं वापस लिए। धीरज जी, बहुत सारे आरोप लग रहे हैं आप पर, आप अपने हिसाब से चलाएंगे क्या प्रदेश को? क्योंकि इसके पहले जब इसकी तैयारी की गई थी तो आप ही की सरकार जब विपक्ष में बैठती थी तो उसका विरोध कर रही थी। ये गलत बता रहे हैं कांग्रेस के मित्र हमारे। यूपी कोका जो अपराधी रहेगा, जो 5 साल सजा रहेगी, और आईजी डीआईजी कमिश्नर स्तर के अधिकारी उसको तय करेंगे, ऐसे नहीं कि यूपी कोका लग जाएगा। और उसमें कई बार जो है उनके ऊपर चार्जशीट लगी रहेगी, वो कई अपराधियों में लिप्त रहेंगे, तब उनको यूपी कोका लगाया जाएगा। ऐसे नहीं है कि यूपी कोका उनको लगाए, गलत बता रहे हैं। यूपी कोका जो संगठित अपराध कर रहे हैं, जो अपराधी हों, जो जेल से निकले हुए हैं, जिसको सजा हुई है, उनको लगेगा। ऐसे नहीं है कि जिसको चाहे, जैसे आप कह रहे हैं मीडिया को लग जाएगा, राजनेताओं को लग जाएगा, आम जनता को लग जाएगा। ये कांग्रेस के मित्र इसको ऐसे बता रहे हैं समाज में और जनता को कि ये गलत कानून है। ये कानून उत्तर प्रदेश के लिए बहुत अच्छा कानून है, उत्तर प्रदेश में अपराध रुकेगा, आपको दिखाई भी देगा। इसलिए इनका कहना ये गलत है कि अपराध तो सर अभी भी आप रो रहे हैं, धनाधन एनकाउंटर हो रहे हैं, आप तो भी कह रहे हैं कि अपराधी जमानत नहीं ले रहे, खुद आके थानों में कह रहे हैं कि मैंने रास्ता छोड़ दिया, मुझे गोली मत मारना, तो फिर उसके बाद इसकी जरूरत है क्या आपको? आ रहे हैं अपराधी, लेकिन हमने एक बात कहा ना, अब जो संगठित अपराध है जिसमें कानून अपना काम नहीं कर पाती है, इसलिए कानून को लाना पड़ा, चाहे जिसकी वसूली हो रही है, और जैसे गुंडा टैक्स लिया जाता है और जमीनों को कब्जा किया जाता है, उसमें जो है जैसे कि कई और संगठित अपराध हो रहे हैं, उसमें कानून बहुत जरूरी था, इसलिए हम इस कानून को। ठीक है, श्रीधर पाठक जी, आपको लग रहा है कि इसकी जरूरत उत्तर प्रदेश को है? जो वर्तमान में इतने सारे कानून चल रहे हैं, पुलिस के काम करने का तरीका है, वो पर्याप्त नहीं हो पा रहा अपराध को रोकने में? नहीं, इस तरह के एक डिटरेंट कानून की आवश्यकता उत्तर प्रदेश पुलिस 15-20 साल से अनुभव कर रही थी। नाम उसका कुछ भी दिया जाए इससे मतलब नहीं है, लेकिन एक ऐसे कानून की आवश्यकता लगातार थी जो संगठित आपराधिक गिरोहों के प्रति वो एक डिटरेंस का काम करे। अब जिसके ऊपर लगाया जाए, अब जैसे ये यूपी कोका आया है, इसमें तमाम ऐसी चीजें जोड़ दी गई हैं जो पहले के कानूनों में नहीं थी, जैसे मीसा में नहीं थी। इस तरह के जो निरोधात्मक कानून हैं, इनका प्रारंभ 1932 से हुआ। क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट 1932 में सबसे पहले ये प्रावधान किया गया कि इसकी जमानत सामान्य तौर पर नहीं होगी।
डिस्ट्रिक्ट जज के नीचे इसकी जमानत पहले भी नहीं होती थी और बहुत सारे मामलों में फिर ये हाई कोर्ट इस तरह के मामले जाने लगे। बाद में मीसा आया, एनएसए आया, टाडा आया, कोटा आया, तमाम तरह के कानून आए, लेकिन वो खास उद्देश्यों के लिए थे। जैसे मेरठ के दंगे जो थे, अगर उस समय पर एनएसए नहीं होता तो मुरादाबाद मेरठ के दंगे कंट्रोल हो ही नहीं सकते थे। इसी तरह से ये एक ऐसा कानून आया है जो इन सारी चीजों को मद्देनजर रख करके अप टू डेट कानून है। नहीं तो बेहतर है ना, अच्छा है, फिर मतलब अपराध की रोकथाम के लिहाज से कानून है और इसका फल मिलेगा राज्य को और इससे आपराधिक गतिविधियों में कमी आएगी, खास तौर से जो सामूहिक आपराधिक गतिविधियां थी जिनके बारे में ठीक से न तो जानकारी हो पाती थी न सबूत हो पाता था और बहुत सारी एजेंसियां भी उसमें मिल जाया करती थी, उनके विरुद्ध भी ये कारगर साबित होगा। ठीक, ताहिर हसन जी, आप तो इतनी सारी समस्याओं को देखती हैं सामाजिक तौर पर, आपको लग रहा है सरकार ये जो कोशिश कर रही है यूपी कोका ला करके, ये कारगर साबित होगा या इसकी जरूरत महसूस नहीं कर रही है? नहीं, पहले तो मैं ये कहना चाह रही हूँ, अभी हमारे बीजेपी के साथी ने कहा था कि वैसे भी हमने बहुत अपराध कम कर दिए हैं, आज भी हम लोग चैनलों पर डिस्कस कर रहे हैं और सड़कों पर भी जाके देखते हैं, डिस्कस करते हैं कि महिलाओं के साथ हिंसा कई गुना बढ़ गई है, कोई बिल्कुल किसी में डर नहीं है, कानून का डर नहीं, और जिस पुलिस को ये मजबूत करने जा रही है सरकार, वो पुलिस किस तरह से पेश आती है हमारी कमजोर महिलाओं के साथ, उनको कमजोर समझ के, मैं कमजोर इसलिए कह रही हूँ, ये हमारी हाशिया की समाज की जो महिलाएं होती हैं, जो हमारी खेत मजदूर महिलाएं होती हैं, ये थाना इंचार्ज FIR तक दर्ज नहीं करता, उनके लिए FIR दर्ज कराना ही बहुत बड़ी मुहिम है। फिर आप इतना इतने कानून होते हुए आप एक ऐसा कानून उनके हाथ में हथियार दे दे रहे हैं पुलिस के हाथ में, तो आप उसमें ये भी तो प्रोविजन रखिए भैया कि अगर वो पुलिस ऑफिसर गलत काम करता है बाद में पता चलता है, जो बहुत से ड्रैकोनियन लॉज जो लगाए गए वो बाद में पता चला कि इनोसेंट आदमी को जेल में रखा, एक लंबे समय तक इनोसेंट आदमी के पूरे परिवार ने जेला, तो क्या उस पुलिस ऑफिसर के खिलाफ भी कुछ आपने रखा है? अगर नहीं रखा तो इस पर बातचीत क्यों नहीं हो रही है? इस पर बातचीत हो कि उस पुलिस ऑफिसर को भी दंडित किए जाने का प्रोविजन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जनता, हम सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, सबसे बड़ा लोकतंत्र है, लोकतंत्र में ड्रैकोनियन लॉ तो अंग्रेज ब्रिटिशर लाया करते थे, अगर आप ड्रैकोनियन लॉ इस तरह का लाते हैं तो एक प्रोविजन रखिए ना उसके लिए, कानून आए, संगठित अपराध रोके जाए, इसको कौन बुरा मानेगा? कोई भी रंगदारी रोकी जाए, ठेकेदार जिस तरह से कर रहे हैं, जमीनों की लूट रोकी जाए, डकैती रोकी जाए, सब रोका जाए, लेकिन उसको रोकने के लिए अगर गलत लोगों को फंसा दिया जाता है, मैं कहती हूँ आप यहां तक मानिए कि 2% ही फंसाया जा रहा है, तो क्या उन पुलिस अफसर के खिलाफ आपने कुछ रखा है कि उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, उनको जेल भेजा जाएगा, उनकी भी जमानत नहीं होगी? जैसे हमने जस्टिस वर्मा कमेटी जब गठित कराई निर्भया कांड के बाद, तो उसमें है अगर थाने इंचार्ज नहीं लिखता है तो उसको जेल जाने का प्रोविजन है, तो और अब भी नहीं लिखता, लेकिन उसका पालन नहीं होता, क्यों नहीं है ये कानून जो आपने बनाया? कमिश्नर, IG, DIG इसमें समिति में है और इसका पूरे समिति जब इसमें वो करेगी, अवलोकन करेगी, तभी यूपी कोका लगेगा। ऐसे नहीं है कि पुलिस जब चाहेगी तो लग जाएगा, वो संगठित अपराध में यूपी को 5 वर्ष में अगर उनके खिलाफ चार्जशीट है और उनके खिलाफ कई मुकदमे हैं, तब यूपी कोका लगेगा। दूसरी बात सुनिए, जो हमारे मित्र कह रहे हैं, दूसरी बात यह है कि हमने फिर कहा उसमें कमिश्नर, IG, DIG स्तर के उसमें समिति बनी है, वो समिति जब निर्णय लेगी तब यूपी कोका बनेगा, उसके बाद गृह सचिव भी है और जिलाधिकारी का अनुमोदन होगा, जिलाधिकारी का भी है उसमें, इसलिए यूपी कोका ऐसे नहीं है कि लग जाएगा, ये यूपी कोका इस नए जैसे बता रहे हैं जिसको नहीं पुलिस लगा देगी। साथी ये बताइए आप कि जो जिस तरह से नेताओं के साथ इन गुंडों का जो एक पूरा वो है, पुलिस का जो नेक्सस है, आपको लगता है कि इनके खिलाफ पुलिस जो है बड़ा एक्शन ले लेगी अगर कोई इनोसेंट आदमी चला जाएगा? आपको लगता है कितने बार केसेस होते हैं कि लोग 14-14 साल रह के ड्रैकोनियन लॉ में फिर बाहर लाए गए कि भाई ये कोर्ट ने कहा नहीं, ये बिल्कुल साफ सुथरे हैं, तो उसके लिए कोई तो प्रोविजन रखा जाएगा, इसका मिसयूज होगा बिल्कुल, मसल पावर वाले और नेता का, और बहुत से वो जो दूसरी पार्टी में है, आप मानिए किसी भी पार्टी में है, कहीं भी रसूखदार इस तरह के गुंडे संगठित अपराधी हैं, वो छोड़ के आपकी पार्टी में आ जाएंगे, कितनी देर लगेगी आने में? हमने कहा कि फिर हम यही कह रहे हैं कि संगठित अपराध में, मैं फिर से कह रहा हूँ,
कि उनके ऊपर कार्रवाई होगी। आपकी बात सही है, लेकिन जो जो तारा जी सर सवाल उठा रहे हैं, क्या उसका मिसयूज नहीं होगा, दुरुपयोग होगा, तो उसके लिए कोई प्रावधान है क्या? रसूखदार के सामने कोई नहीं बोल पाएगा, कोई रसूखदार नहीं, इसीलिए तो कानून आ रहा है। तो उसमें प्रोविजन रख दीजिए ना कि अगर मान लीजिए पता चलता है कि हाँ पुलिस का ऑफिसर भी गलत रहा तो उसको भी दंडित किया जाएगा, इतना रखने में क्या हर्ज है? सब कुछ करके निर्णय हुआ है, ये विधानसभा में पास हो गया है, तो उस पर डिस्कशन कहाँ हुआ? डिस्कशन हुआ बताएंगे, पूरा डिस्कशन हुआ वहाँ पर, हुआ विपक्ष ने रखा, पूरा हम लोगों ने रखा, पूरा डिस्कशन होकर वहाँ पास हुआ है विधानसभा में। सुरेश बहादुर जी, इसलिए आप ये दुरुपयोग नहीं होगा, क्योंकि इसमें जो है मैं फिर से कह रहा हूँ, संगठित अपराध जो इतना उत्तर प्रदेश में बढ़ा हुआ है चाहे जिस चीज में हो, इसलिए उसके लिए यूपी कोका आना जरूरी था, इसलिए यूपी कोका हमारे। ठीक है सुरेश बहादुर जी, सर सरकार तो काफी सारी चीजें इसकी गिना रही है कि इसमें ये खासियत है, इससे अपराध रुक जाएगा, संगठित अपराध की बात करी जा रही है, आपको लग रहा है उत्तर प्रदेश के लिए जरूरी है वाकई, और इसकी कमियां आप कहाँ देख पा रहे हैं? देखिए रूबी जी, उत्तर प्रदेश की स्थिति में, कानून व्यवस्था की स्थिति में सुधार लाना किसी भी प्रदेश सरकार के लिए हमेशा चुनौती रहा है, चाहे जिसकी सरकारें रही हों, हमेशा सरकारों की प्राथमिकता रही है कि किसी न किसी तरह उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था में सुधार किया जाए। जब सरकारें होती उनके मुख्यमंत्री होते हैं तो पूरे दावे करते हैं कि उनके शासनकाल में कानून व्यवस्था में पूरा सुधार है, और जो विपक्ष आरोप लगा रहा है वो गलत है, वही स्थितियाँ इस समय भी हैं। ये कमोबेश यही रहता, सत्ता और विपक्ष का यही खेल हमेशा चलता रहता और चल रहा है। जहाँ तक यूपी कोका की बात है, उत्तर प्रदेश में अपराध में नियंत्रण लाने के लिए अगर किसी भी कानून की जरूरत है तो उस कानून का स्वागत किया जाना चाहिए। निश्चित रूप से पुलिस को स्ट्रेंथन किया जाना चाहिए, मजबूत किया जाना चाहिए कि कानून व्यवस्था में सुधार हो। आजकल स्थितियां उत्तर प्रदेश की बहुत डिफरेंट हो चुकी हैं, पिछले कई वर्षों से हमारे यहाँ के चाहे अधिकारी हों, चाहे पुलिस अधिकारी हों, चाहे आईएएस अधिकारी हों, सब राजनीतिक दलों के एजेंट बन गए, उनके कार्यकर्ता बन गए हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी लॉयल्टीज़ अलग हो गई हैं। कानून व्यवस्था सुधारने से उनका ध्यान कम रह गया, उनका ध्यान दूसरी तरफ बट गया है। इसलिए इस सुधार में निश्चित रूप से अगर यूपी कोका आया है तो पहले जो आया है वो एक्ट उसको पढ़ा जाना चाहिए, पढ़ करके उसके बारे में समझा जाना चाहिए, उसमें क्या क्या खूबियाँ हैं, क्या कमियाँ हैं, तब उसके बाद उसकी विवेचना की जानी चाहिए और उस पर तब बहस की जानी चाहिए। जहाँ तक यूपी कोका की बात है, मैं समझता हूँ कि इसका स्वागत किया जाना चाहिए और अपराध नियंत्रण में निश्चित रूप से ये कारगर सिद्ध होगा। हाँ, वही एक बात जरूर मैं कहूँगा विपक्षी दलों की, उनकी भी शंका इसलिए जायज है कि समय समय पर इन उपयोग ये कानूनों का दुरुपयोग होता रहा है। पहले भी पोटा का दुरुपयोग हुआ है, पोटा भी राजनीतिक द्वेष भर राजनीतिक कारण भर अपने विरोधियों के फंसाने के लिए लोगों को जेल भेज दिया गया, उनको अपनी सरकार बचाने के लिए अपने प्रतिद्वंदियों को जेल के अंदर रखा गया, तो ये भी घटनाएं सामने आई हैं और ऐसा हुआ है। तो निश्चित रूप से जब जो कानून बनते हैं उनके दुरुपयोग की संभावनाएं भी बनती रहे, उपयोग भी होते हैं तो दुरुपयोग भी होते हैं, लेकिन अगर उपयोग ज़्यादा हो दुरुपयोग कम हो तो कहीं ना कहीं उस कानून को स्वीकार्यता मिलनी चाहिए। हाँ, दुरुपयोगों पर जरूर चर्चा की जानी चाहिए कि अपने विपक्षियों को दुरुपयोग न किया जाए, फंसाया न जाए, क्योंकि अभी पिछला एक उदाहरण, पिछले एक सरकार का उदाहरण बताऊंगा, अभी सरकार की बात आपने कही है, यही बम ब्लास्ट का आतंकवादी चाहे लखनऊ का रहा हो चाहे फैजा, अपनी मौत वो मर गया, अपनी मौत वो ट्रेन से आते समय मर गया था, लेकिन हमारी सरकार ने तत्कालीन DGP विक्रम सिंह और ADG अपने ब्रिजलाल सहित 60-40 अफसरों पर मुकदमा कायम करवा दिया था और हत्या का मुकदमा दायर करा दिया था, ये भी हमारी सरकार है। आज अब जा करके कहीं वो मुकदमे में जब वो नहीं मिल पाया, साक्ष्य नहीं मिल पाया, तब वो अधिकारी हमारे बरी हुए हैं। ये कहना उचित नहीं होगा कि पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती, उनके खिलाफ भी अगर दोषी पाए जाते हैं तो कार्रवाई होती है और कार्रवाई की जाती है। इसलिए कानून का उपयोग और दुरुपयोग दोनों की संभावनाएं बराबर से बनी रहती, बस ये देखना कि हम किस नजरिए से उसको देखते हैं। जहाँ तक संगठित अपराधों की बात है, उत्तर प्रदेश में संगठित अपराध बढ़े हैं और जो संगठित अपराध के कर्ता धर्ता हैं, जो कर्ता कहीं ना कहीं से उनको राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है। अब मैं एक दल की बात नहीं करता, तो हो सकता सारे दल में हो, लेकिन उन सारे राजनीतिक दलों का उनको संरक्षण प्राप्त है और जब तक इनकी कमर नहीं तोड़ी जाएगी तब तक अपराध पर नियंत्रण नहीं किया जा सकता। ठीक सुरेंद्र जी, फिर क्या वजह है कि इसे दूसरा रंग देने की कोशिश की गई? कहा गया कि राजनीतिक विरोधी जो हैं उनका दमन करने की कोशिश की जाएगी इसके जरिए, फिर उधर अल्पसंख्यकों को, कमजोर वर्ग, गरीबों की तरफ भी लगे कि उन्हें इससे प्रताड़ित किया जाएगा। एक कानून अगर अपराध की रोकथाम के लिए आ रहा है तो इसे सियासी रंग देने की जरूरत है क्या? देखिए, फिर से समझिए बात को, हम सुरेश भाई की बात को लेकर के कहीं कोई विरोध नहीं कर रहे, किनके हाथों में कानून जा रहा है उसको देखिए, उसको समझिए रूबी। उन्हीं पुलिस वालों के हाथ में कानून जा रहा है जो वर्तमान में जो कह रहे हैं ये लचर कानून है,
जो उस लचर कानून के नाम पर गर्दी गरीबों को, निर्दोषों को, राजनीतिक प्रतिबंध। सर लेकिन यूपी कोका में किसी थाने स्तर पर किसी को अधिकार नहीं होगा इसको लगा देने का, आईजी कमिश्नर स्तर के अधिकारी होंगे, तो जाहिर सी बात है पूरी पड़ताल भी तो होगी उस चीज की। मैं वही आ जा रहा हूँ कि आप जिम्मेवारी ले सकती हैं या भारतीय जनता पार्टी जिम्मेवारी ले सकती है कि आईजी स्तर का अधिकारी इस तरीके की हरकत नहीं करेगा? आप बताइए मुझे, क्या इसमें कहीं किसी जज को लगाया है बीच में, किसी सिटिंग जज को रखा है? क्या इसमें ये दुरुपयोग अगर कोई होगा उसके मुखालफत में उतनी ही बड़ी वैधानिक कार्रवाई होगी जितनी बड़ी यूपी कोका के अपराध को लगाने के लिए हो? क्या ऐसा रखा है इन्होंने, क्या ऐसा रखा है इन्होंने पुलिस को कि साहब पुलिस क्यों 6 महीने में चार्जशीट फाइल करेगी, पुलिस 30 दिन में क्यों चार्जशीट फाइल नहीं करेगी? आप 180 डेज की क्यों आप लोगों ने रखा हुआ है? देखिए बात समझिए, हम पढ़ी लिखी बात करना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के मित्र सिर्फ और सिर्फ जनता की उसमें भावनाएं भड़काना चाहते हैं। हम कहते हैं ज्यादा टाइम इसलिए ले रहे हैं तारीख की पड़ताल हो जाए, वो जल्दबाजी में किसी के ऊपर ये कानून ना लगा दिया। मैं वही बात आपसे कह रहा हूँ, मेरी बात आप समझिए, 180 दिन में चार्जशीट क्यों फाइल हो? आप मुझे बताइए आज की डेट में, जब पुराने समय में आपके पास इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स नहीं थे, सर्विलांस का कोई तरीका नहीं था, आप सिर्फ और सिर्फ जो है मुखबिरों पर रहते थे, आज की डेट में आपके पास इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस है, आपके पास मोबाइल है, आपके पास, तो आप 30 दिन की जगह 15 दिन में चार्जशीट फाइल कीजिए ताकि पता लगे वो अपराधी है तो उसको यूपी कोका नहीं उससे भी कड़े प्रावधान में करिए। हम कहां मना कर रहे हैं, यूपी कोका में आप आईजी स्तर का, कमिश्नर स्तर का, डीएम स्तर का अधिकारी कह रहे हैं और दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश की सरकार ये कह रही है कि आईएएस से नीचे है आईपीएस, त्रिपाठी जी बैठे हैं, इनकी इनका जो करेक्टर रोल है वो डीएम, एसएसपी का करेक्टर रोल डीएम लिखेगा। आज की डेट में आप इस चीज को देखिए कि जब डीएम करेक्टर रोल लिखेगा तो जो डीएम चाहेगा, कमिश्नर चाहेगा, वो पुलिस करेगी और डीएम को कौन हैंडल करेगा, वो जो मुख्यमंत्री होगा, जो राजनीतिक नेतृत्व होगा, आज इनकी सरकार है ये लोग करेंगे, कल की डेट में हमारी सरकार आएगी हमारी सरकार के लोग करेंगे। तो हमारा स्पष्ट रूप से मानना है कि इसमें आप पहली तो 30 दिन के अंदर अंदर चार्जशीट फाइल हो, क्यों नहीं हो भाई, आप 180 दिन क्यों लेना चाहते हैं, ऐसी कौन सा कारण है, आप इसका मतलब है कि आप 180 दिन तक फंसा के रखना चाहते हैं? दूसरी चीज, राजद्रोह को राष्ट्रद्रोह को स्पष्ट करें। हम कहते हैं कि राजद्रोह यानी हम अगर सरकार के खिलाफ हैं तो हम सरकार के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करेंगे, राष्ट्र के खिलाफ थोड़ी कर रहे हैं हम, सरकार राष्ट्र नहीं है, इस चीज को ये कानून डिफाई नहीं करता है, इस चीज को अलग अलग नहीं करता है। तीसरी चीज जो सबसे बड़ी बात है, ये जो पुलिस है, इस पुलिस में जो वर्तमान कानूनों का दुरुपयोग करके पुलिस जिस तरीके से बेगुनाहों को फंसाती है, आप ही लोग रोज दिखाते हैं, हम नहीं दिखाते, आप लोग दिखाते हैं, आप ही की वजह से हम लोग जानते हैं। उसके बाद इतना मजबूत डंडा अगर कानून का इनके पास आ जाएगा तो इसकी जिम्मेवारी बताइए क्या है कि इसका दुरुपयोग नहीं होगा? हम भारतीय जनता पार्टी से पूछते हैं तो ये हमें देशद्रोही बता देते हैं, कह देते हैं साहब आतंकवादियों के साथ आप हैं, आतंकवादियों के साथ क्यों रहेंगे भाई, हम तो देश को बचाने वाले लोग, बनाने वाले लोग हैं। धीरज जी जवाब दीजिए, बात करना मजलूमों की, बात करना मजदूरों की, बात करना, धीरज जी जवाब दीजिए, तो गुनाह हम करेंगे। ये बताना चाहते हैं कि 180 दिन में इसलिए चार्जशीट लगी, पूरी उसकी जांच पड़ताल होगी, पूरी एक एक चीज उसकी विवेचना होगी, ऐसा ना हो जाए कि यूपी कोका ऐसे लोग को लग जाए कि उसमें जो बाद में पता चले कि वो गलत आदमी को लग गया। इसलिए सुनिए सुनिए कांग्रेस में, सुनिए 180 दिन में, 180 दिन आप बंद करने के बाद कर रहे हैं, अगर आप पहले 180 दिन ले तो कोई दिक्कत नहीं है, तब तो हम आपका समर्थन करेंगे। 180 दिन वो सीआरपीसी में है, 180 दिन इसलिए उसकी जांच हो, उसकी पड़ताल हो कि वो संगठित अपराध में था कि नहीं था, उस सीआरपीसी में हम रख सकते हैं भाई। श्रीधर पाठक जी, सर ये 180 दिन वाला मसला जरा आप थोड़ा सा समझना चाहेंगे कि वाकई इतने वक्त की जरूरत है या नहीं है, या गिरफ्तारी के या अरेस्ट करने के बाद ये वक्त लिया जाना ज्यादा बेहतर है या पहले जांच पड़ताल की जाए? अगर पहले जांच पड़ताल करेंगे तो जिस पर आरोप है वो हाथ से निकल भी सकता है। आजादी के बाद जो सीआरपीसी भारत में थी उस पर लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने बारंबार आपत्तियां व्यक्त की और उसके बाद 1973 में एक नई सीआरपीसी आई, जो 1973 में नई सीआरपीसी आई उसमें यह प्रावधान रखा गया कि न्यायालयों में चार्जशीट 60 दिन के अंदर प्रस्तुत कर दी जाएगी। इसके पहले चार्जशीट प्रस्तुत करने के लिए कोई समय सीमा नहीं थी,
एक बार पुलिस गिरफ्तार करके भेज देती थी, उसके बाद भूल जाती थी और फिर अपना चलते रहो, चार छः साल तक पड़े रहो, तो वो चीज़ ख़त्म कर दी गई। लेकिन बाद में ये पाया गया कि 60 दिन में सही चार्जशीट भेजी नहीं जा सकती है, उस पर उसमें संशोधन हुआ और 90 दिन उसमें रखा गया कि 90 दिन में चार्जशीट भेज देनी चाहिए। लेकिन हमारा अपना अनुभव कहता है कि 90 दिन कम है, 180 दिन सभी कानूनों के लिए होना चाहिए। एक्साइज एक्ट की बात दूसरी है, लेकिन किसी को मर्डर में जबरदस्ती 90 दिन हो रहा है इसलिए चार्जशीट दे दी जाए, ये तो बड़ी गलत बात है। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी पाए गए जिनके ऊपर जब चार्जशीट चली कि भाई ये न्यायालय में मुकदमा चला कि ये तो मर गए थे, तो वो जिंदा हाजिर हो गए आकर के। तो ये 180 दिन बहुत सही है, इसमें ज्यादा समय लग सकता है। इसमें एक प्राविधान होना चाहिए था कि न्यायालय से परमिशन लेकर के 30 और 30 दिन और भी इनको मौका दिया जाना चाहिए। सुरेंद्र जी बोलिए, फिर श्रीधर जी से जवाब। फिर से वही बात आ जाती है, पुलिस तो चाहेगी कि 180 दिन नहीं 360 दिन, क्योंकि पुलिस का काम, वो पुलिस प्रोफेशनल काम, अगर पुलिस एक तरफ कहते हैं आप हमारा बड़ा अनुशासित बल है, प्रोफेशनल बल है, तो 180 दिन में ही क्यों आप चार्जशीट करना चाहते हैं आप? भाई कहां तो 90 के 60 दिन करने चाहिए आपको, क्योंकि आपके कुछ परिस्थितियां भी होती है ना, पुलिस को आप काम करने का पूरा टाइम भी देंगे ना? नहीं नहीं, पूरे टाइम, पूरे टाइम का मतलब श्रीधर जी से समझिए ना, वो कह रहे हैं, श्रीधर जी खुद कह रहे हैं ना कि जो जो उनका अनुभव कहता है उसके हिसाब से 80 दिन कम है। रूबी रूबी देखिए, हम झगड़ा नहीं कर रहे हैं, हमारी आप बात समझिए, हम आपसे, आप ही पूछिए, आपको पुलिस ने उठाया और आपको किसी कानून में बंद कर दिया, आप अपराधी नहीं हैं, आपका क्या नैसर्गिक हक नहीं है जमानत पाने का? आप कोर्ट में मुकदमा लड़ेंगी या नहीं लड़ेंगी, या 180 दिन तक आपकी कोई सुनवाई नहीं होगी? कल की डेट में आप इसमें अपने को, अपने आप को रख करके देखिए, तब आपको समझ में आएगी कि क्यों 180 दिन। पुलिस तो 360 दिन चाहती है। जी ताहिरा जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, 180 दिन फंसा के रख रहे हैं, है ना? और जब टेक्नोलॉजी से हम आगे आ गए हैं तो आप जल्दी जल्दी कीजिए, अगर वो है अपराधी है तो तुरंत वो हो फिर दंडित किया जाए, वो प्रोसेस जल्दी जल्दी चले। हम लोग महिलाओं के केस में भी कहते हैं फास्ट ट्रैक कोर्ट से जल्दी जल्दी दंडित कीजिए, कन्विक्शन रेट बढ़ाइए जिससे लोगों में डर पैदा हो। और इसमें रिमांड भी जो पुलिस ने ली वो 30 दिन की ली है, 15 दिन की जगह 30 दिन की है कि पुलिस के रिमांड में रहेगा आदमी। और मेरा मानना है कि जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र फलता ही फूलता मजबूत होता है जब विपक्ष जो है मजबूत होता है, सवाल जवाब करता है। तो जब सवाल जवाब का वो कम कर दिया जाएगा तो जाहिर है जो वो स्पेस है हमारे लोकतंत्र का वो कहीं सिकुड़ता सा आएगा, ये बहुत खतरनाक बात है। ठीक, क्योंकि राजद्रोह जो है अभी कहा, ये बात मैंने भी उसको इतनी गौर से नहीं देखी थी, लेकिन अभी सुरेंद्र जी ने जो कही, मैं हमको लगता है हमारे बीजेपी के साथी इसको क्लियर करें कि राजद्रोह को कैसे लिया जाएगा इसमें, क्या राजद्रोह है? मान लीजिए हम कह रहे हैं कि सरकार महिलाओं पे बढ़ हिंसा बढ़ी है, उस पे वो एक्शन नहीं ले पा रही है, अभी देखिए उन्नाव में दलित लड़की जला के मार दी गई, तो इस तरह से जब महिलाओं के प्रति हिंसा बढ़ी है, डर कम हुआ, कन्विक्शन रेट कम है, फास्ट ट्रैक कोर्ट आप बना नहीं पा रहे, तो क्या ये राजद्रोह में चला जाएगा? क्योंकि जाहिर है आप राज कर रहे हैं इस समय और हम आपको कह रहे हैं कि मैं राज को मानती नहीं, क्योंकि प्रजातंत्र में प्रजा की बात होनी चाहिए, प्रजा ही सबसे बड़ी है जो एक वोट के जरिए। ठीक है, उसकी सबसे ज्यादा ताकत होती है। जवाब लेंगे हम धीरज जी से भी और सुरेश जी से भी समझने की कोशिश करेंगे, फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक ले, जरा यहां रुक रहे हैं। यूपी कोका है जरूरी, इसको लेकर लगातार बहस छिड़ी हुई, उधर विपक्ष अपना तर्क रख रहा है तो सरकार के पास अपना जवाब है, हम भी इस पर चर्चा कर रहे हैं। ब्रेक पर जाने से पहले तमाम सवाल थे, इनका जवाब लेंगे, लेकिन ताहिरा जी कुछ कहना चाह रही थी, पहले वो सुनो। मैं बीजेपी के साथी से पूछना चाह रही हूँ, जो ये बात कर रहे हैं अपराध को रोकने की, तो ये जिस तरह की खाप पंचायत है जो अभी भी आपने देखा, अभी कुछ दिन पहले एक महिला को पेड़ में बांध कर जिस तरह से पीटा गया और बराबर जिस तरह से बिल्कुल इनह्यूमन एक्ट कर रही है, क्या इनके ऊपर भी कुछ रोकथाम होगी? आप जो कह रहे हैं वो सुनने में अच्छा लग रहा है लेकिन प्रैक्टिकल तो होता है जी, वो जो मसला उठा रहे हैं वो भी कम जरूरी नहीं है। इस तरीके की छोटी वारदातें हो रही है, कोई किसी को पेड़ से लटका के पीट रहा है, कोई थाने के अंदर पट्टे से पीट रहा है, उत्तर प्रदेश इन पे तो पहले रोक लगे, अब इतने बड़े बड़े कानून ला रहे हैं, आपको लग रहा है अपराध के लिए जो आपकी व्यवस्था है वो सही दिशा में जा रही है? निश्चित अपराध के लिए, अपराधियों के लिए जो है कानून काम कर रहा है,
सिर्फ एनकाउंटर काम कर रहा है क्या सर? जबकि सिर्फ शूट कर दिया जाए वही न्याय, शूट कर दिया जाए वही न्याय। चैनल पे दिखाया आपने कि अपराधी आज सिलेंडर कर रहे हैं थाने पे जाकर, नहीं सर, और महिलाओं को पीट दिया थाने के अंदर, युवक को पीट दिया, उनके लिए क्या जरूरी है? वो भी तो ना, जो अपराधी ऐसा गलत काम जो आपने टीवी पर दिखाया उसमें कानून अपना काम करा, उसके ऊपर जरूर कार्रवाई हुई होगी, अगर नहीं हुई होगी तब हो जाएगी, वो अपराधी बचेगा ना, महिलाओं का उत्पीड़न नहीं होगा। हम तो अपने संकल्प पत्र में कहे थे कि हम ऐसा कर, तीन साल की क्या है सर कि जो अपराध जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई कम ही हो रही है और जो गरीब हैं या जो मजदूर हैं वो ज्यादा झेल रहे हैं। प्रतापगढ़ बता सकते हैं कई कार्रवाई, सुरेश जी के पास हम जा रहे हैं, सुरेश जी के पास हम जा रहे हैं सर, बड़ा कानून तो सरकार ला रही है लेकिन क्या इस हकीकत से सरकार अपनी नजरें चुराने की कोशिश कर रही है या सरकार की नजर वहां तक जा ही नहीं रही है कि वाकई जो अपराध प्रदेश के अंदर हो रहे हैं उसे रोका जाए बजाय इसके कि बड़े बड़े कानून बनाए जाए? रूबी ऐसा है, यूपी कोका चोर पकड़ने के लिए नहीं आ रहा है, डकैत पकड़ने के लिए नहीं आ रहा है, जो आपसी रंजिश में हत्या होती है उसके लिए यूपी कोका नहीं लाया जा रहा है। यूपी कोका उत्तर प्रदेश में संगठित अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए, संगठित अपराधों को रोकने के लिए यूपी कोका का उपयोग किया जा रहा है। ठीक सर, लेकिन सवाल ये उठ रहा है ना कि खनन माफिया है, छोटे जो अपराध है अगर पुलिस उसे ही नहीं रोक पा रही तो क्या बड़ा कानून इतना कारगर होगा क्या? जी मैं बता रहा हूँ ना जी, और भी मैंने कहा ना सारे प्राविधान हैं, सारे कानून हैं जिन कानूनों के नियमों के तहत कार्रवाई हो रही है, लेकिन जो यूपी कोका की बात हम लोग कर रहे हैं, महिलाओं पर मैं सारी बातों से आपके सहमत हूँ, महिलाओं पर अत्याचार बढ़ रहे हैं, अपराध बढ़े हैं, क्राइम बढ़े हैं, सब कुछ बढ़े हैं, विपक्षी दलों की बात है, उन पर आरोप लगाएंगे, हमारे नेता भाजपा उनका जवाब देंगे, वो कहेंगे कि नहीं सब व्यवस्था सामान्य है, लेकिन जहाँ तक यूपी कोका की बात है, यूपी कोका संगठित अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए, संगठित अपराधों को रोकने के लिए यूपी कोका लाया गया है, और संगठित अपराध बीच इतने ज़्यादा पिछले कई वर्षों में संगठित अपराध इतने बढ़े हैं और निश्चित रूप से जो इनको संचालित करते हैं जो कहीं ना कहीं किसी बड़े राजनीतिक दल से जुड़े हैं और सारे लोग जानते भी हैं, लेकिन ये जानते हुए भी वो ये नहीं कह पाते कि ये संगठित गिरोह के संचालक है या संगठित अपराध करते हैं, तो उन संगठित अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए यूपी कोका की बात की जा रही है। जहाँ तक यूपी कोका में प्रावधानों की बात है, उसमें जब चार्जशीट फाइल की जाती है तो उसमें एक एडीजी स्तर का अधिकारी, महानिरीक्षक स्तर का अधिकारी होता है, जिले का अधिकारी, जिले का एसपी और वहाँ का एडिशनल एसपी उसके मेंबर होते हैं। जब चार्जशीट फाइल करने के पहले उसको जब उसको फाइल किया जाता है उसका विवेचना किया जाता है और जब सारे लोग संतुष्ट हो जाते हैं तब इतने दिन के बाद तब उस पर चार्जशीट फाइल की जाती है। पहली बात यह है कि हम लोगों को यूपी कोका के प्रावधानों के बारे में अध्ययन करना चाहिए, उनकी सारी स्थितियाँ जानकारी जाने के बाद ही उस पर विवेचना, बहस के कानून अच्छा है या बुरा है इस पर बहस की जा सकती है। सत्ता पक्ष के अपने तर्क होंगे, विपक्ष के अपने तर्क हैं, मैं दोनों तर्कों का स्वागत किया जाना चाहिए। हाँ, जिस तरह से सत्ता पक्ष आश्वस्त है कि इससे कानून पर निश्चित रूप से कानून व्यवस्था में सुधार होगा, कानून पर अंकुश लगेगा, वहीं विपक्ष की चिंता भी जायज है कि इसके समय समय पर इसके दुरुपयोग होते रहे हैं। अन्य सरकारों ने, जो पिछली सरकारें रही हैं, उन्होंने अपने राजनीतिक लाभ के लिए इसका दुरुपयोग किया है। आश्वस्त ये सरकार को आश्वस्त ये करना है कि आने वाले समय में इसका दुरुपयोग नहीं किया जाएगा। और जहां तक कानून की बात है, कानून जो है किसी एक के लिए नहीं, ये पूरे प्रदेश के लिए है, प्रदेश की जनता के लिए और कानून व्यवस्था में सुधार के लिए। अगर कानून व्यवस्था में सुधार के लिए प्रदेश कोई भी ऐसा कदम उठाता है, सरकार कोई भी ऐसा कदम उठाती है, तो उसका स्वागत किया जाना चाहिए। रही सरकार के कम होने की, कम या ज़्यादा होने की, इसका विवेचना हम लोग, हमारे सहयोगी दल करते ही रहे हैं। सरकार का दावा है कि अपराध कम हुए हैं, विपक्ष हमेशा कहेगा अपराधों की बाढ़ आ गई है, लेकिन हमको आपको निष्पक्ष रूप से इसकी विवेचना करने की आवश्यकता है। उत्तर प्रदेश में संगठित गिरोह, संगठित अपराध रोकने के लिए किसी सख्त कानून की आवश्यकता थी, इसलिए सरकार लाई है। यही नहीं, इससे पूर्व देखिए महाराष्ट्र में, दिल्ली में मकोका आई है और मकोका के आते ही महाराष्ट्र में भले ही लोग करें, महाराष्ट्र में भी दिल्ली में अपराधों पर नियंत्रण हुआ था, अपराधों संगठित अपराधों पर कमी आई थी। तो कहीं ना कहीं आप गुण दोष के आधार पर इसकी विवेचना करिए। जिस अधिकार जो भी कानून आता है उसके गुण भी होते हैं, उसके दुरुपयोग भी होते हैं, और दुरुपयोग होने की निश्चित रूप से जितने उपयोग होने की संभावना रहती है उतने ही दुरुपयोग की संभावना रहती है। इसलिए हम सरकार की मंशा पर नहीं, जो इम्प्लीमेंटेशन करेंगे इस कानून का, जो उपयोग करें, इम्प्लीमेंटेशन जो करेंगे, उनकी जिम्मेदारी जनता बनती है, उनके ऊपर अधिक जिम्मेदारी है, वो इसका दुरुपयोग ना होने दें और सरकार की साख बचाएं। सच्ची बात यह है कि हम लोग जो है कानूनों पर नहीं बहस करें, हम उसके इम्प्लीमेंटेशन पर बहस करें, हम उनके इम्प्लीमेंटेशन पर शंका कर रहे हैं, और वही इम्प्लीमेंटेशन अगर ठीक हो जाएगा तो सारी विवाद अपने आप खत्म हो जाएगा।
ठीक सुरेश जी, कोई भी कानून जाहिर सी बात है अपराध के नियंत्रण के लिए ही बनाया जाता है, चाहे सरकार कोई भी हो, किसी भी पार्टी की नहीं हो, लेकिन इसको लेकर जो बवाल मच रहा है, सुरेश जी से मेरा सवाल है सर, क्या विपक्षी दल जो है वो इस बात को लेकर ज्यादा डरे हुए हैं कि कहीं इसका इस्तेमाल उनके राजनीतिक दलों, उन राजनेताओं के खिलाफ ज्यादा हो, क्योंकि जब भी संगठित अपराध का जिक्र होता है राजनीतिक दलों के लोग, राजनेता ज्यादा इसके घेरे में आते हैं। सुरेश जी, राजनेता इस बात को लेकर ज्यादा डरे हुए हैं? जवाब देने के बाद सुनते ही नहीं है क्या? क्या राजनीतिक दल सर इस बात को लेकर के ज्यादा डरे हुए हैं कि जब भी संगठित अपराध का जिक्र होता है, किसी न किसी राजनीतिक दल के नेता, उनके गुर्गों का नाम शामिल होता है उसमें, तो क्या इस बात का ज्यादा डर है राजनेताओं में? राजनीतिक दल इसलिए जुड़े हैं, उनका पिछला अनुभव थोड़ा कड़वा रहा है। पिछली बार जैसे पिछली सरकारें रही हैं तो कुछ सरकारों में ऐसा हुआ है, उसका एक्ट का दुरुपयोग हुआ। जैसे भाजपा के साथ मिलकर मायावती ने सरकार बनाई थी, तो मायावती के शासनकाल में क्योंकि राजा भैया ने उनकी सरकार गिराने की कोशिश की थी, तो राजा भैया को कोटा के अंदर जेल भेज दिया गया, उनको ही नहीं उनके पिताजी को भेज दिया गया। तो शंका होना लाजमी है, लेकिन ये भी सच है कि जो कानून व्यवस्था में अभी भी जब कोई बात होती है, कहना नहीं चाहिए, अभी भी जब कोई बात होती है, कानून व्यवस्था के सुधार की बात होती है, तो मैं आपको रूबी एक बात बताऊंगा कि कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और कल्याण सिंह ने जब सरकार बनाई थी तो मुझे लगता है कि कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसका आपराधिक इतिहास रहा हो, आपराधिक चरित्र रहा हो, उसने भी सरकार में शामिल हुए थे, सरकार में शामिल होकर के मुख्यमंत्री को समर्थन दिया था। लेकिन आज भी जब चर्चा होती तो माना जाता है कल्याण सिंह का प्रशासन सबसे सख्ता और कल्याण सिंह सबसे अच्छे मुख्यमंत्री साबित हुए कानून व्यवस्था में। वहीं दूसरी बात आप देखिए, मायावती जी के शासनकाल में सब कुछ रहा हो, लेकिन मायावती जी के आने के बाद एक परसेप्शन होता था कि कानून व्यवस्था में सुधार होया है और कानून व्यवस्था में लोग भाग जाते हैं, और जैसे ही समाजवादी पार्टी सरकार में आती थी एकदम एकाएक हो जाता था, गुंडों और अपराधियों की सरकार आ गई, अब आप भागिए। ये एक परसेप्शन की बात होती है, जिस सरकार के बारे में जो परसेप्शन होता है जनता के बीच परसेप्शन ज्यादा मायने रखता है, तो वही एक चीज है। और वो परसेप्शन योगी जी के बारे में परसेप्शन है कि योगी जी भ्रष्टाचार को या अपराधी को संरक्षण नहीं दे सकते हैं, ऐसा उनका इतिहास रहा, ऐसा उनके बारे में कहा जाता है, इसलिए उनकी उनकी शंका पर, उनकी नेक नीति पर संदेह करना उचित नहीं। हाँ, उनके जो अधिकारी हैं, मैं यही बातें योगी जी जैसे ईमानदार, योगी जी जैसे शरीफ अफसर, मैं उनके सारे मंत्रिमंडल के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये दावा नहीं कर रहा कि उनका मंत्रिमंडल भी योगी ही जैसा हो, योगी जी जैसे होंगे योगी ही जैसा होगा, मैं ये दावा नहीं कर रहा हूँ। इसलिए इम्प्लीमेंटेशन पर मेरी शंका है कि अगर योगी जी की नेक नीति पर शंका नहीं की जाती, लेकिन हाँ उसके इम्प्लीमेंटेशन पर जो राजनीतिक दलों की शंका है, इनकी शंका भी जायज है। चलिए सर, इनकी शंका जायज है। श्रीधर पाठक जी से मुझे पूछना है सर, आपका अपना अनुभव क्या कहता है इस तरीके के मामलों में? देखिए, इसमें दुरुपयोग होने की कोई संभावना नहीं है। इस एक्ट में दुरुपयोग को रोकने के लिए कई किस्म के सेफगार्ड लगे हुए हैं, और अगर उत्तरदायित्व कमिश्नर पर है तो दुरुपयोग की किसी प्रकार की कोई संभावना नहीं है। हाँ, ये बात अगर है कि कहीं दुरुपयोग होता है उसके लिए न्यायालय, और निजी तौर पर मेरा मानना है कि अगर लोगों को लगता है कि दुरुपयोग होगा ही होगा तो उनको चाहिए कि विधानमंडल के वरिष्ठ सदस्यों की एक समिति इस सारे कानून को मॉनिटरिंग करने के लिए बनाई जाए, जिसकी बैठक हर 15वें दिन हो और वो इसकी मॉनिटरिंग करें। ठीक, सुरेश भद्र जी से मेरा सवाल सर, एक और एक पहले कुछ वक्त पहले कुछ मामलों में फास्ट ट्रैक कोर्ट का हम जिक्र करते हैं, वो पूरी तरीके से अमल में अब तक बनी तो लाइन नहीं गई और उसका फायदा उतना मिलता नहीं। यूपी कोका के लिए भी कहा जा रहा है विशेष अदालतें बनाई जाएंगी, क्या हम उम्मीद लगाएं कि वाकई वो नजर आ पाएगा और उसका फायदा लोगों को मिलेगा? सुरेश बहादुर जी, देखिए, जहाँ तक फास्ट ट्रैक की बात है, निश्चित रूप से अपराधों को एक फास्ट ट्रैक की व्यवस्था की जानी चाहिए, फास्ट ट्रैक कानून बनाए जाने चाहिए जिससे अपराधी दंडित हों। लेकिन जहाँ तक यूपी कोका की बात है, जो संगठित अपराधों की बात है, उसमें संगठित अपराधों को आप ये जितनी जल्दी उनको उनसे वेरीफाई उनके लिए निश्चित रूप से सत्यापित करने की जरूरत है, उनके बारे में जानकारी करने की जरूरत है। किसी को संगठित अपराध में संलिप्त होने की जानकारी तभी दी जा सकती जब उनके बारे में पूरी जानकारी इकट्ठा किया जाए, उनके पूरी जानकारी मुहैया करा जाए। इसीलिए सरकार ने उचित समय मांगा है, कोई जल्दबाजी ना हो और किसी ऐसे व्यक्ति के साथ नाइंसाफी ना हो जो निर्दोष हो और उसे इस पर ऑर्गेनाइज या क्राइम के अंदर उसको जेल भेजा जाए।
तो सरकार ने पूरी तरह से, और एक चीज और है, अगर अपराधों का तुरंत फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया जाए और उस पर तुरंत ही फैसला आने लगे तो निश्चित रूप पर अपराधों पर अंकुश लगेगा। जैसे बलात्कार के मामले हैं या हत्या के मामले हैं, इन देरी की जाती है, स्वाभाविक सी बात है, इनकी जो तफ्तीश की जाती है इसमें देरी होती है, देरी होने से निश्चित रूप से वो साक्ष्य मिटाने के पूरे प्रमाण भी मिल जाते हैं अपराधियों को, इसलिए कहीं ना कहीं अपराधी होते हुए भी कोर्ट की निगाह में कहीं अपराधी छूट जाता है। तो निश्चित रूप से फास्ट ट्रैक की गठन किया जाना चाहिए और फास्ट जल्दी से इनका निपटारा किया जाना चाहिए, इससे अपराधों पर अंकुश लगेगा। जी, ताहिरा जी की एक प्रतिक्रिया। मेरा ये कहना था कि फास्ट ट्रैक कोर्ट, स्पेशल कोर्ट की बात हो रही है, लेकिन पुलिस जिस तरह से करती है, अपनी पूरी तश्वीश करती है, वो कमिश्नर हो, कोच भी हो, जो भी रैंक के हो, देखिए इन पर पॉलिटिकल पार्टी का तो इन्फ्लुएंस रहता ही है, तो आपको नहीं लगता कि इसमें एक प्रोविजन ये होना चाहिए कि अगर गलती होती है तो किसी पर अकाउंटेबिलिटी इधर भी तो फिक्स की जाए, बढ़ता हुआ जो भी अपराध बढ़ता हुआ इसको रोका जाए। इसका यूपी कोका का हम स्वागत करते हैं कि आए, अगर संगठित अपराध रोक देती है तो किसको इससे परेशानी होगी, आम जनता इससे खुश होगी। लेकिन होता क्या है, जितने भी हमने पिछले रिकॉर्ड देखे, जितने भी कानून बन के आए, चाहे पोटा हो चाहे कोई भी हो, जितने भी कानून बने उसमें कहीं ना कहीं मिसयूज हुआ है, और हर कानून में ऐसा होता है, इसको बिल्कुल फुल प्रूफ नहीं बनाया जा सकता, तो क्यों ना एक प्रोविजन डाला जाए कि अगर ऐसा होता है तो किसी पर तो अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने की बात हो, कि वहां भी एक डर सा महसूस हो, क्योंकि मुझे तो पूरा लगता है कि जो लोग होते हैं संगठित अपराध में उनको पूरी तरह से पैरेंटेज मिलती रहती है, पॉलिटिकल पार्टी से एक प्रोटेक्शन मिलता है, तो जाहिर है कि उनको किस तरह से क्या करेंगे, वो किस तरह से जो असली लोग हैं वो छोड़ दिए जाएंगे, कौन लोग हैं जो पकड़ लिए जाएंगे, ये एक बात एक आम जनता के दिमाग में है और वो रहेगी जब तक उसका एक ब्लूप्रिंट बहुत साफ नहीं सामने आएगा। धीरज जी, अभी ही क्यों इस कानून के लिए हम लोग अभी जो बहस कर रहे हैं, अभी कानून इम्प्लीमेंट हो रहा है, ये तो बात की बात है कि आज दुरुपयोग होगा, क्या आएगा क्या जाएगा, लेकिन अभी कानून आ रहा है, इसको देखा जाए और कानून से कितने संगठित अपराध रुकेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश अपना बहुत बड़ा राज्य है, महाराष्ट्र में दिखाई भी दिया, वहां पर रुका, विपक्षी लोग हैं, कोई कानून लाए नहीं, चाहे समाजवादी हो चाहे कांग्रेस हो, आज हम लोग ले आ रहे हैं कानून, इस पे इतना हल्ला हुल्ला क्यों मच रहा है, कानून आने दीजिए, इम्प्लीमेंट होने दीजिए, संगठित अपराध को हम लोग रोकेंगे, और अपराध उत्तर प्रदेश में अपराध गढ़ बन गया था, आज भारत में पूरे हिंदुस्तान में उत्तर प्रदेश को गलत दिशा में देखा जाता था, अब उत्तर प्रदेश में अगर हम यूपी कोका लाए, हमारे मुख्यमंत्री जी लाए, तो उसको सही दिशा में देखा जाए, ये ना पहले ही कह दिया जाए कि अपराध नहीं रोकेगा, ये दुरुपयोग होगा, ये मैं नहीं मानता हूं, दुरुपयोग जब होगा तब हम लोग इस पे चर्चा करेंगे क्या एलिमेंट होगा, लेकिन अभी हम लोग को संगठित अपराध के लिए, ये जो हमारे मुख्यमंत्री ने यूपी कोका लाया, हम लोग को इसके लिए मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहिए, और उत्तर प्रदेश की जनता ये जान रही है कि उत्तर प्रदेश की जनता की कानून व्यवस्था स्थिति बड़ी खराब थी, इसके लिए हमने वादा किया था संकल्प पत्र में, आज वो वादा को हम जनता से निभा रहे हैं, ठीक है, और इसके लिए हमने यूपी को कल आया, इसलिए हमारे चाहे वो कांग्रेस के मित्र हो, चाहे हमारे बहुजन समाज पार्टी के मित्र हो, चाहे समाजवादी पार्टी के मित्र, ये क्यों इतना हल्ला मचा रहा है, ठीक है सर, श्रीधर जी, तो कोई कानून ला नहीं, ये नहीं चाहते अपराध रुके उस उत्तर प्रदेश में, ये नहीं चाहते यही संगठित अपराध करते हैं, ये नहीं चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था स्थिति सही रहे, इसलिए इनको ऐसे हल्ला नहीं मचाना चाहिए, और आपको दिखाई देगा ये सरकार चलने चाहिए, ये कानून इम्प्लीमेंट होने दीजिए, और जब संगठित अपराध रुकेगा, और जो वसूली होती थी, जो लूट होते थे, जो कई घटनाएं होती थी, आप तो भाषण दिए चले जा रहे हैं, ठीक है, कुछ सुनिए भी तो, अरे इससे पहले पूरा देश आंदोलित हुआ था निर्भया कांड के बाद, और एक कानून आ रहा, आज भी उत्तर प्रदेश में उसका इम्प्लीमेंटेशन उस तरह से नहीं हो रहा, 3,000 करोड़ जो निर्भया फंड आया था आज तक हम लोगों को पता नहीं कि क्या हुआ, कैसे इस्तेमाल हुआ, कानून बनता 661 स्टॉप 1 सेंटर बनने थे, आज तक नहीं बने, 2012 की बात से, तो हम कैसे समझे कि कानून जो है इम्प्लीमेंटेशन की बात है, कि कैसे हाउ इट विल बी इम्प्लीमेंटेड, कि कैसे कितनी सफाई से सही तरीके से जेन्युइन तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाएगा जो सही माने में अपराध को रोकेगा, बात यह है धीरज जी, इसलिए लोगों के मन में शंकाएं हैं, क्योंकि इससे पहले हमारे पास बहुत से कानून बने, सब लॉलीपॉप की तरह इस्तेमाल हुए, ये कानून आ रहा है बिल्कुल, कौन नहीं चाहता कि संगठित जितने भी अपराध है वो रोके जाए, आम जनता चाहती है, सब ट्राई ट्राई कर रहे हैं, थोड़ी चलाएंगे कानून, हमको तभी देखना है इम्प्लीमेंट हो रहा है यूपी को का,
अब उसमें अपराध नहीं रुकेगा, आप संता रोकते तो हमारे अंदर थोड़ा सा आपके लिए आता है कि एक वर्ष में धीरज जी सरकार की नियत पर सवाल नहीं है, आप कानून बनाएंगे, आप कानून लाएंगे, लागू भी करवाएंगे, ठीक है। लेकिन बड़ा सवाल यह है, नहीं एक मिनट धीरज जी बड़ी खराब थी, ठीक है धीरज जी रुकिए धीरज जी, लेकिन केंद्र में 5 साल और 1 साल यूपी में आपको जनता को विश्वास दिलाने के लिए कुछ कारगर कदम तो उठाने पड़ेंगे ना, वो कहीं दिखाई भी तो दे जमीनी स्तर पर। निश्चित दिखाई दे रहा है, एक वर्ष में दिखाई दिया, आज कहीं दंगा नहीं हुआ, आज कानून व्यवस्था स्थिति कहीं खराब नहीं हुई, आप देखिए। सिर्फ दंगे नहीं होने से प्रदेश में अपराध नहीं, ऐसा कह सकते हैं क्या? अपराध कितने होते थे, ठीक है, मैं जानता हूं, थाना अध्यक्ष मारे जाते थे, ठीक है जाता था, ठीक है सर, मारे जाते थे, श्रीधर पाठक जी बहुत बड़ा महिलाओं को, श्रीधर पाठक जी आपने काम किया, ठीक है जी, हमारे मुख्यमंत्री ने सर प्लीज सर प्लीज सर प्लीज राजनाथ सिंह के जारी किए हुए पेश किया, ठीक है सर, मुझे आवाज गिरानी पड़ेगी, ठीक है ठीक है महिला पाठक जी से मेरा सवाल है सर, ठीक है धीरज जी सर, ठीक है सरकार की उपलब्धियां बहुत सुनी, ठीक है सर, सरकार की उपलब्धियां बहुत सुनी, श्रीधर पाठक जी से मेरा सवाल है सर, आपने इस प्रदेश में काम किया है, यहाँ की व्यवस्था, यहाँ के माहौल और उत्तर प्रदेश की तस्वीर को देख के क्या आप ये कह सकते हैं कि जो धीरज जी कह रहे हैं कि आने दीजिए, कानून लाने दीजिए, फिर देखेंगे? नहीं नहीं नीरज जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, कोई कानून जब लागू हो जाता है और उसमें कार्रवाई शुरू होती है तभी ये पता चलेगा कि उसका दुरुपयोग कितना होगा, और अगर दुरुपयोग हो रहा है तो उसको रोकने का उपाय क्या है। इससे पहले सर इतने कानून बने जिनके दुरुपयोग, क्या कोई कानून वापस लिया गया इस तरीके के कानून? ये तो इन्हीं लोगों अपराध के ऊपर, ये तो इन्हीं लोगों, ऐसी कोई तस्वीर नजर नहीं आती ना सर, इसलिए शंकाएं शायद उठती है मन में। नहीं, जैसे मीसा का सबसे ज्यादा आलोचना की गई, लेकिन जो लोग मीसा में बंद किए गए थे जब वो बाहर निकले तो 77, 78, 79 तीन साल तक उनका राज था, किसी ने मीसा को खत्म नहीं किया, और उसके बाद भी उन लोगों का राज रहा है राज्य से लेकर के केंद्र तक, वही ना, वो लगातार चलते रहे। ये किसी एक पार्टी की बात नहीं, कानून की इम्प्लीमेंटेशन की बात है कि किस तरह से पार्टी या पार्टी अगर मुखिया कराना भी चाह रहा है तो नीचे से कैसे हो रहा है, इनको देखने की जरूरत है। आप खत्म कर देते, नहीं खत्म कर पाए, उसी तरह से जब ये कानून आएगा, आने के बाद इसमें तमाम भारी भरकम सेफगार्ड रखे गए हैं, उसके बाद दुरुपयोग की तो खैर कोई संभावना है नहीं, लेकिन अगर इसके बाद भी दुरुपयोग रखा जाता है, क्योंकि लोगों के कई तरह के चेहरे होते हैं, जैसे वर्मा जी का 4 मुंह होता है, इसी तरह से तमाम लोगों के कम से कम 4 मुंह तो होते ही हैं, एक खनन कराता है, दूसरा नकल कराता है, नेपाल बांग्लादेश कहाँ कहाँ से लोग आकर के हाई स्कूल का इम्तिहान दे रहे हैं, और अगर आपके पास पैसा है तो आने की जरूरत नहीं, सर्टिफिकेट वहीं पहुँच जाएगा। तो इन लोगों के लिए आखिर कौन सा कानून है, आईपीसी में कौन सी धारा है? बिल्कुल, क्योंकि जिन लोगों ने आईपीसी बनाया था उन्होंने सोचा ही नहीं था कि हिंदुस्तान में कभी ऐसा भी होगा। ठीक ठीक, एक बहुत बहुत थोड़े भी प्रतिक्रिया सुरेश बहादुर जी से। सर जी देखिए रूबी, जहां तक यूपी कोका की बात है, उत्तर प्रदेश में संगठित अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए, खत्म करने की यूपी कोका जैसे सख्त कानून की आवश्यकता थी निश्चित रूप से, और मकोका की सफलता के बाद ये भी देखा जाने लगे था अगर प्रदेश में ऐसे कानून आएंगे तो निश्चित रूप से उस पर अपराध पर अंकुश लगाने में सफलता मिलेगी। हाँ, जहाँ तक कानून के दुरुपयोग की बात है, जहाँ भी कानून बनते हैं उनके लूप होल्स होते हैं, उनका लोग दुरुपयोग करते हैं, इसीलिए उसमें पर्याप्त समय दिया गया, कोशिश की गई है, ये प्रयास किया गया है कि इसका दुरुपयोग ना होने पाए, लेकिन अब पूर्णतया दुरुपयोग नहीं होगा इस संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता है, लेकिन हमारे सहयोगियों की बात से हमें मानना पड़ेगा, पहले कानून आने दीजिए, जब दुरुपयोग की घटनाएँ बढ़ेंगी या दुरुपयोग की बातें सामने आएंगी तो निश्चित रूप से उसमें ऐसे प्रावधान भी किए जाएंगे, उन प्रावधानों पर विचार भी किया जाएगा कि जिससे उनका दुरुपयोग ना हो। लेकिन संगठित अपराध निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश हब बन चुका है, पिछले कई वर्षों से संगठित अपराधों में बाढ़ सी आ गई है, और उन बाढ़ को रोकने के लिए ये ऐसे कानून की सख्त आवश्यकता थी। इस समय मैं फिर एक बार दोहराव जाऊंगा कि कम से कम योगी जी, मुख्यमंत्री योगी जी ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो भ्रष्टाचार से, जो अपराधियों से, या जो संगठित अपराध, मतलब इनसे वो समझौता नहीं कर सकते, कम से कम व्यक्तिगत रूप से योगी जी के बारे में कहा जा सकता है कि भ्रष्टाचार समझौता नहीं करेंगे, अपराधों को निश्चित रूप से अपराधों पर अंकुश लगाएंगे, और इसी नियत से यूपी कोका जो है, यूपी कोका वो ले आए हैं। और जहाँ तक अन्य क्षेत्र उसकी बात है,
अपराधियों के, देखिए इम्प्लीमेंटेशन निश्चित रूप से इम्प्लीमेंटेशन उन्हीं अधिकारियों द्वारा किया जाता है, तो जब इम्प्लीमेंटेशन 100% इम्प्लीमेंटेशन कहीं भी ये नहीं कहा जा सकता उसका 100% इम्प्लीमेंटेशन, क्योंकि सरकारों की जब आलोचना होती है तो उनके सरकारों की नीयत पर कभी शंका नहीं किया जाती, उनके इरादे नेक होते हैं, लेकिन जो कानून आते हैं जब उनका इम्प्लीमेंटेशन किया जाता है और सरकारें जब अपने स्वार्थ के लिए अपने लाभ के लिए उसका उपयोग करने लगती तब आलोचना का शिकार बनती है। बिल्कुल जाहिर सी बात है, विपक्षी दल निश्चित रूप से पिछली सरकारों में इस कई बार में ऐसा हुआ है, इसलिए विपक्षी दलों की शंका करना लाजमी है और उस शंका का निवारण भी करना चाहिए, सरकार को उसका निवारण भी करना चाहिए और कोशिश की जाए इसका इम्प्लीमेंटेशन मतलब अच्छे तरीके से किया जाए जिससे इसका दुरुपयोग ना हो। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, लेकिन कोशिश इस तरीके की सरकार की होनी चाहिए कि वाकई जिस नियत से जिस तरीके से इसे लाने की कोशिश की जा रही है वो वैसा ही नजर आए जमीनी स्तर पर भी और लोगों को इससे राहत मिल सके। फिलहाल बड़ी बहस में इतना ही।